लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑलजोन टाइम्स न्यूज और हिट कीजिए बेल आइकन, ताकि हमारी खास खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव और स्वागत है आपका ऑलजोन टाइम्स न्यूज में, जिसके जरिए हम आपको जैन, अग्रवाल एवं वैश्य समाज से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों एवं कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी देते हैं। इन सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए ऑलजोन टाइम्स समाचार पत्र पढ़ें। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर रफ्तार से। वरिष्ठ संरक्षक महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। श्री हनुमान धाम के स्थापना दिवस के अवसर पर श्री हनुमान धाम बस सेवा समिति द्वारा तृतीय मासिक तीर्थ धाम यात्रा का आयोजन कर रहा है, जिसमें विश्व के प्रथम तीर्थ धाम में आपको हनुमान जी की 12 लीलाओं एवं 9 स्वरूपों के दर्शन कराए जाएंगे। यह यात्रा 16 नवंबर रात्रि 10 बजे से शुरू होकर 18 नवंबर तक होगी। इस यात्रा का शुल्क 1500 प्रति व्यक्ति लिया जाएगा। इस यात्रा की बुकिंग के लिए इच्छुक भक्त स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। संरक्षक मंजू सिंघल की रिपोर्ट। अग्रकेशरी महाकुटुंब ट्रस्ट द्वारा महाराजा श्री अग्रसेन जी का जन्मोत्सव विराट अग्र महाकुंभ के रूप में 21 अक्टूबर को जापानी पार्क रोहिणी में भव्य स्तर पर आयोजित किया गया। हजारों अग्रवंशजों द्वारा कुल देवी माता महालक्ष्मी को 51 मीटर की मनोकामना विशाल चुनरी उड़ाई गई। कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों का स्वागत पगड़ी पहनाकर किया गया। राजेंद्र सिंघल जी ने बताया कि कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, सांसद सुशील गुप्ता, पूर्व सांसद जयप्रकाश अग्रवाल, विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल एवं विधायक महेंद्र गोयल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जगदीश मित्तल की रिपोर्ट। महाराजा अग्रसेन खेल परिसर में पूरे जोश के साथ 8वें महाराजा अग्रसेन वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय टूर्नामेंट में उत्तर भारत के 40 विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की टीमों ने अपना नाम रजिस्टर कराया। सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर नंद किशोर गर्ग ने खिलाड़ियों का मार्गदर्शन किया तथा टूर्नामेंट का उद्घाटन उपाध्यक्ष श्री उमेश गुप्ता और श्री सुंदरलाल गोयल ने किया। प्रबंध संपादक आशीष जैन की रिपोर्ट। महर्षि वाल्मीकि जयंती के पावन अवसर पर 24 अक्टूबर को सर्वधर्म संभाव सभा वाल्मीकि मंदिर मार्ग में महामंडलेश्वर श्री कृष्ण विद्यार्थी जी के सानिध्य में रखी गई, जिसमें विश्वविख्यात आचार्य श्री सुशील कुमार जी महाराज की परंपरा के श्री कस्तूर मुनि जी महाराज, श्री विवेक मुनि जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी नारायण गिरी जी, फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम अहमद, महंत अस्तगिरीश जी महाराज आदि संत उपस्थित रहे। वरिष्ठ संवाददाता संजय अग्रवाल की रिपोर्ट। भव्य श्री श्याम जन्मोत्सव का आयोजन शनिवार 17 नवंबर को 7:30 बजे से ग्रैंड जलसा बैंकेट पिलर नंबर 57 के सामने महाराजा अग्रसेन मेन मार्केट पालम कॉलोनी में श्याम लीन श्री श्याम श्याम सुंदर शर्मा जी के सानिध्य में किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन श्री श्याम परिवार पालम मिनी खाटू धाम द्वारा किया जाएगा। मयंक सिंघल की रिपोर्ट। राष्ट्रीय अग्रवाल फाउंडेशन की ओर से 28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक धर्मनगरी सहारनपुर में श्री दिगंबर जैन वार्षिक गजरथ यात्रा महोत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया। महोत्सव में फाउंडेशन के अध्यक्ष राजेश जैन जी, उपमंत्री तरस तृप्त जैन जी, सुरेश जैन जी और कपिल अग्रवाल जी का विशेष सहयोग रहा। ऑलजोन टाइम्स न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही नई महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए ऑलजोन टाइम्स न्यूज और पढ़ते रहिए ऑलजोन टाइम्स समाचार पत्र। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑलजोन टाइम्स न्यूज और हिट कीजिए बेल आइकन, ताकि हमारी खास खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।